उसकी आवाज में दुख दर्द है। बेरंग हवाएं, बेरंग हवाएं, बेरंग हवाएं। और इसके अलावा पहला गाना कौन सा सुना था अरिजीत, और आतिफ असलम के बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल नहीं है कि उसको कुछ गाना आता है या मतलब वो बस ट्राई करता है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। Well, hello guys, this is your boy Zegam Naim and you're watching Lahorified Speaks. आज का जो टॉपिक है इट्स अबाउट म्यूजिक, आतिफ असलम, अरिजीत सिंह, दैट मींस पाकिस्तान एंड इंडिया। तो आज हम लोगों से पूछेंगे, इट्स अ पब्लिक रिव्यू, कि पाकिस्तान में लोग आतिफ असलम को ज़्यादा पसंद करते हैं या अरिजीत सिंह को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम चलेंगे, लोगों से क्वेश्चन भी पूछेंगे उनके फेवरेट गाने कौन से हैं, और हो सके तो उनसे गाने भी सुनेंगे कि उनके फेवरेट सिंगर के गाने जो उनको ज़ुबानी याद हैं। तो चलिए अब चलते हैं पब्लिक की तरफ, लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? जी रहमान। असजद। मेरा नाम हसन अलाबदी। नमान। हसन। मोहम्मद तनवीर। मोहम्मद तनवीर। मोहम्मद तनवीर भाई, मुझे अब ये बताएं कि म्यूज़िक सुनते हैं आप? जी सर। जी सुनते हैं। तो आतिफ असलम और अरिजीत सिंह, कौन सा आपका फेवरेट है? मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आतिफ को ऑब्वियसली। आई थिंक आतिफ इज बेस्ट। अरिजीत सिंह। आतिफ। आतिफ असलम। डेफिनेटली आतिफ असलम। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह, उसकी खास वजह? क्योंकि उसकी ना आवाज़ काफ़ी क्रिस्मेटिक मतलब है, उसकी आवाज़ में वो क्रिस्मा है कि लाइक वो अट्रैक्ट करती है उसकी वॉइस। तो पाकिस्तानी सिंगर हमें उसे प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल। और सेकंडली उसकी आवाज़ अच्छी आई जीत से। पाकिस्तानी है और बहुत अच्छा है, मैं उसको आदत से फॉलो कर रहा हूँ। हिज वॉइस, हिज वेरिएशंस, द वे ही सिंग्स, द वे ही मच बेटर देन आतिफ असलम। इसकी खास वजह क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आवाज़ बहुत अच्छी है और उसके गाने बहुत अच्छे हैं। कि वो अच्छा गाते हैं, उन्हें सुर की तमीज़ है, पता है उन्हें कि कैसे उसको उतार चढ़ाव का पता है उन्हें, आदत से फॉलो कर रहे हैं। तो उसकी आवाज़ में ऐसा क्या है कि आपको वही पसंद है? बस यार, उसकी आवाज़ में दुख दर्द है। अच्छा, दुख और दर्द है, मतलब वो जाके सीधा नब्ज पे लगता है आपकी, दुखी दुखी रगों पे लगता है, यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है, दिल पे लगता है। बिल्कुल। ज़्यादा टेक को करता है कि एकदम से वो स्लो हो जाएगा और एकदम से उसकी आवाज़ को बढ़ा देगा, और मतलब कि ये वाला फैक्टर जो उसके उसमें सबसे इट्स लाइक वर्सटाइल है परफॉर्मिंग में। राइट ने एक वो गया था ना, वो वाला यार मुझे भूल गया, याद नहीं आ रहा। इसकी एक वो गजल सी है, बड़ी प्यारी है। गजल सी है? हाँ। कौन सी गजल, नाम क्या है उसका? मुझे अब जेन में नहीं। कोक स्टूडियो में गई थी उसने? हाँ, कोक स्टूडियो में आई थी एक आतिफ असलम है। तो कोई ऐसा गाना जो आपको, आतिफ असलम किस गाने से आपको पसंद आया था, ऐसा कौन सा गाना था जो आपने सुना था तो आपको आतिफ असलम पसंद आया था? सारी फेवरेट है, और आदत 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 ही पसंद है। आदत के अलावा और कोई? और कोई सारे वेस्टर्न, उसके कोई इतना बुरा नहीं कह सकते कि कोई भी बुरा है। आदत भी है और दिल दिया गल्ला, दिल दिया गल्ला भी है। उसने कमाल बुलंदी पे पहुंचाया यार। याद नहीं आ रही है, याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप बड़े अच्छा सिंगर है, लेकिन बड़ा अच्छा सिंगर है। मैं मिला भी वहाँ से। अच्छा, मिले हुए हैं? कहाँ मिले थे आप? दुबई में। दुबई में मिले थे? तो क्या कैसा लगा आपको मिलकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मिलकर। तो कोई आतिफ असलम का कोई फेवरेट गाना जो आपको बहुत ही पसंद है? याद नहीं है, कोई एक गाना भी नहीं याद आतिफ असलम का। उसने को 300-400 गाने गा दिए, आपको एक गाना नहीं याद? याद आपका फेवरेट है? अब माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा, बेरंग हवाएं, बेरंग हवाएं, बेरंग हवाएं। और इसके अलावा कुछ? पहला गाना कौन सा सुना था अरिजीत? यही फर्स्ट सॉन्ग था जो मैंने व्हाट्सएप मेरा स्टेटस पे देखा था, एंड उसके बाद आतिफ असलम, आदत, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट है। इट्स लाइक फ्रॉम द स्टार्ट। आयत। आयत बहुत आला है, तुझे याद कर लिया है? आयत की तरह, आयत की तरह। कौन सा गाना ऐसा है आतिफ असलम का जो आपको बहुत पसंद है? सबसे ज़्यादा जो फेवरेट गाना है वो आदत। आदत जी, बहुत आला। ठीक है, बेहतरीन हो गया। तो आप मुझे कोई भी उसका गाना सुना दे अपनी आवाज़ में। नहीं यार, सिंगिंग सिर्फ सुनने की हद तक है, मैं तो वॉशरूम सिंगर हूँ। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। और हमने जाना लोगों से उनकी राय, ठीक है, कुछ लोगों को आतिफ असलम पसंद था और कुछ को अरिजीत सिंह पसंद था, और ख़ास तौर पे आतिफ असलम का गाना आदत उसकी ज़्यादा तारीफ सुनी गई, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि आतिफ असलम को तो गाना ही नहीं आता। तो ये थी हमारी पब्लिक की राय। अगर आपको हमारे इंटरव्यू, हमारी वीडियोस पसंद आई हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फेसबुक पे हमें फॉलो करें।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।